हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों, जो ये सीरीज़ है जिसमें हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजी व्यापम के सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी क्रम में वीडियो नंबर 8 है। अगर अभी तक आपने शुरू के 7 वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके उसे भी देखें, आपके लिए बहुत मदद हो सकता है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाए, ठीक है। चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इससे पहले हमने पहले की वीडियोस में 110 प्रश्नों का अभी तक हमने देख चुका है। अब हम 111 से लेके आगे प्रश्नों का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद उत्तर खुद से भी देने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना सही होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी के लिए जो 111 नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा शिव शंकर शुक्ल की रचना है, ठीक है। बताना, शिव शंकर शुक्ल जी की कई सारी रचनाएं हैं। देखिए, साहित्य से संबंधित और उन साहित्य में जो है रचनाकार, रचना, लेखक, कवि, इन सबसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप एक बार क्या, बार बार जरूर देखेंगे, क्योंकि एक बार में इसको याद करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा रचना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में कि शिव शंकर शुक्ल जी की कौन सी रचना ये चारों में से है। नौकर की कमीज, मोंगरा, खुसरा चिरई के बिहाव, या फिर छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्याय, कौन सा। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जब क्वेश्चन करें तो आपसे ये भी पता चले कि कौन से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपने तैयारी किया है तो आपका सही हो रहा है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है, आई थिंक सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोंगरा। ये मोंगरा जो है शिव शंकर शुक्ल जी की एक उपन्यास है, एक्चुअली में छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, ठीक है। ये जो शिव शंकर शुक्ल है, इनको कई सारे लोग, कई विद्वान ऐसे हैं जो इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार की उपाधि भी इनको देते हैं। और बाकी ये जो नौकर की कमीज है, ये श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। वहीं खुसरा चिरई के बिहाव, ये जो रचना है कपिल नाथ मिश्र जी का है, ठीक है, कपिल नाथ मिश। और जो चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्याय, ये जो है दया शंकर शुक्ल जी का है। ये सभी के सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन को ऐसा इंक्लूड किया है ताकि आपका रिवीजन करा सकूं। तो दया शंकर शुक्ल जी का है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, ठीक है। चलिए अब हम 112 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 112 नंबर का प्रश्न जो है कलचूरी वंश से संबंधित है। प्रश्न है कि कलचूरी शासन व्यवस्था में विदेश विभाग के जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार से जो है जो शासन व्यवस्था था, कलचूरी की शासन व्यवस्था हो या फिर मराठा साम्राज्य का शासन व्यवस्था हो, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, कलचूरी वंश से भी और मराठा से संबंधित। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। अब आते हैं प्रश्न में कि कलचूरी शासन व्यवस्था में विदेश विभाग को क्या कहा जाता था, उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था। महाभंडागारिक, महाबलाधिकृत, महाक्ष पटलिक, या फिर महासंधि विग्रह, क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासंधि विग्रह। ये विदेश विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महासंधि विग्रह ही कहा जाता था। और महाभंडागारिक, ये जो है मुख्य कोषाध्यक्ष जो होता था, ठीक है, मुख्य कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, महाभंडागारिक कहा जाता था। वहीं महाबलाधिकृत जो है, ये जो कलचूरी वंश के समय जो मुख्य सेनापति होता था, ठीक है, जो सबसे प्रमुख सेनापति होता था उसको महाबलाधिकृत कहा जाता था। और वहीं राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था, ठीक है, राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महाक्ष पटलिक कहा जाता था। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि बताइए कि जो न्याय अधिकारी होता था, ठीक है, कलचूरी शासन व्यवस्था में जो न्याय अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, कमेंट करके सब लोग बताइएगा। चलिए 113वां नंबर का प्रश्न देखते हैं।
113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। लेफ्ट में दिया है मेला, और कौन से जिला से संबंधित वह मेला है आपसे पूछा गया है, इसमें से आपको असुमेलित विकल्प का चयन करना है। कुटी घाट का मेला शक्ति, दल्हा पहाड़ का मेला जांजगीर चांपा, मड़वा रानी का मेला कोरबा, और गढ़िया पहाड़ का मेला कांकेर। कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, असुमेलित है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये कुटी घाट का मेला शक्ति में नहीं लगता, कुटी घाट का मेला शक्ति में नहीं बल्कि ये जांजगीर चांपा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जिला जांजगीर चांपा के अंदर कुटी घाट का मेला लगता है। कब लगता है यह मेला, तो बसंत पंचमी के दिन लगता है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, दिवस भी लिख देता हूँ कि कब यह मेला का आयोजन किया जाता है। दल्हा पहाड़ का मेला जांजगीर चांपा के अंदर होता है। दल्हा पहाड़ भी अगर पूछ दे आपसे कि कौन से जिले में है, तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अंदर ही है। और यहाँ पे दल्हा पहाड़ में जो मेला लगता है वो नाग पंचमी के दिन लगता है, ठीक है। मड़वा रानी का मेला ये कोरबा के अंदर लगता है, और ये लगता है नवरात्रि के अवसर पर, ठीक है, नवरात्रि के अवसर पर होता है। गढ़िया पहाड़ आपसे अगर पूछे तो याद रखिएगा ये कांकेर में मिलेगा, और गढ़िया पहाड़ का मेला जो है ये महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है, ठीक है, महाशिवरात्रि के समय गढ़िया पहाड़ का मेला लगता है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। चलिए 114 नंबर का प्रश्न, 114 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि बस्तर का दशहरा के विभिन्न रस्मों का सही क्रम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, जो बस्तर का दशहरा है इसके लिए मैं एक सेपरेट जो है MCQ आपके लिए कभी ना कभी लेकर आऊँगा, ताकि ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और जितने भी पॉसिबल MCQs हो सकते हैं मैं वो भी ट्राई करूँगा। अब इसको पॉज करें और बताएं। देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर का दशहरा है बहुत लंबा समय तक, लगभग 75 दिनों तक ये बस्तर का दशहरा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर चलता है, ठीक है। अब ये केवल एक दिन का तो बात नहीं है, 75 दिनों तक होता है। तो इसमें तरह तरह के रस्म से यह जो है ये मेला जो है ये सॉरी दशहरा जो है आयोजित किया जाता है, तरह तरह के रस्मों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे इसमें पकड़ना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक क्रम में दिया गया है, रस्मों को एक क्रम में से यहाँ पे सुसज्जित किया गया, आपको बताना है। देखिए पहली बात तो बस्तर का दशहरा है ये पुरुषोत्तम देव के द्वारा शुरू किया गया था, जो काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव हैं उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और पूछा जाता है, बस्तर दशहरा में ना एक तुपकी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है, तुपकी, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। काछिन गादी, जोगी बिठाना, मावली प्रघाव और मुरिया दरबार। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि इतने ही में हो जाए, बहुत सारे रस्मों से गुजरता है, बट मैं उसमें से केवल चार रस्मों को ही उठाया हूँ और ऑप्शन की तरह बनाया हूँ। तो सबसे पहले अगर इन चारों में अगर अरेंज किया जाए तो सबसे पहले काछिन गादी होता है, फिर जोगी बिठाना, फिर मावली प्रघाव और मुरिया दरबार, इस तरह क्रम में होता है। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि बस्तर दशहरा का सबसे पहला सबसे प्रथम कार्यक्रम कौन सा है, अगर आपसे कार्यक्रम पूछे तो उसमें आपको मानना है पाट यात्रा, ठीक है। ये पाट यात्रा जो है बस्तर दशहरा का सबसे प्रथम कार्यक्रम है। लेकिन अगर पूछ दे कि बस्तर दशहरा का सबसे पहला रसम कौन सा है तो काछिन गादी, ये पहला रसम है, ठीक है। सबसे पहला रस्म कौन सा है, काछिन गादी। अगर अंतिम रस्म पूछ दे तो ओम मुरिया दरबार, ठीक है। बस्तर दशहरा का अंतिम रस्म कौन सा है तो मुरिया दरबार, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं 115 नंबर के प्रश्न पर। 115 नंबर का प्रश्न है कि बस्तर का आदिवासी थिएटर किस जनजातीय नाट्य या फिर ट्राइबल ड्रामा को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा जनजातीय नाट्य है जिसको बस्तर का आदिवासी थिएटर या फिर ट्राइबल ड्रामा कहा जाता है। मावोपाटा, दही कांदो, भतरा नाट या फिर खम्बस्वाम, किसको कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो भतरा नाट है इसे ही बस्तर के आदिवासी थिएटर के नाम से जाना जाता है। ये बस्तर अंचल में ही जनरली इसको किया जाता है, और विशेषतः अगर देखा जाए तो भतरा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको भतरा नाट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो सभी जितने भी कलाकार होते हैं वो सभी कलाकार पुरुष ही होते हैं, पुरुषों के द्वारा ही विशेषतः यह किया जाता है। और यह जो ट्राइबल ड्रामा है या फिर कह लीजिए कि जनजातीय नाट है, इसका प्रमुख कथानक जो है युद्ध प्रधान है, ठीक है, युद्ध प्रधान,
जनरली इसमें युद्ध को ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कई बार से इसको उड़िया नाट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि उड़िया नाट किसको कहते हैं, तो भत्रा नाट आप टिक कर सकते हैं। मावपाटा जो है ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मुड़िया जनजाति के द्वारा, और यह जो है शिकार पर आधारित होता है, ठीक है, शिकार पर आधारित ये भी है। और खमस्वांग जो है, ये खमस्वांग ये कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 116 नंबर का प्रश्न, 116 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, कि बस्तर के काकतीय वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंधोता को बनाया था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या इसका आंसर होगा कि कौन सा काकतीय वंश का ऐसा शासक था जो कि अपनी राजधानी कहां बनाया था, मंधोता को बनाया था। पुरुषोत्तम देव, अन्नम देव, दिग्पाल देव या फिर दलपत देव, किसने किया था? देखिए, सबसे पहली बात तो बस्तर में सबसे लंबा समय तक कोई शासन किया कोई राजवंश तो काकतीय वंश था, जो कि 1324 से लेकर 1961 तक, आजादी तक, यहां तक शासन चला था। इसके जो अंतिम शासक जो थे ना, प्रवीर चंद भंजदेव थे, आप सभी को पता होगा, ठीक है, प्रवीर चंद भंजदेव ये जो थे इस काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, जो कि 1961 के आसपास तक चले थे, ठीक है। प्रथम शासक अगर पूछ दे तो अन्नम देव जो थे ये काकतीय वंश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम शासक थे, और इन्होंने ही अपनी छत्तीसगढ़ में जैसे ही इस काकतीय वंश का स्थापना किया था और अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, मंधोता। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो पुरुषोत्तम देव थे ये भी काकतीय वंश के ही शासक हैं, और इन्होंने अपनी राजधानी चक्रकोट को बनाया था, ठीक है, चक्रकोट को। दिग्पाल देव भी काकतीय वंश के ही शासक हैं, और इन्होंने बस्तर को ही अपनी राजधानी बनाया था। और दलपत देव जो है अपनी शासक जो राजधानी जो है जगदलपुर को बनाया था, ठीक है, जगदलपुर। ये सभी के सभी शासक जो है काकतीय वंश से ही संबंध रखते हैं, काकतीय वंश के शासक, ठीक है। चलिए आगे, 117 नंबर का प्रश्न प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, वीर नारायण सिंह, वीर सुरेंद्र साय, सेवता ठाकुर या फिर वीर हनुमान सिंह, कौन इसका सही आंसर है? तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी। कब की थी, तो याद रखिएगा, 18 जनवरी 1858 को हत्या की थी। किसने? वीर हनुमान सिंह ने। और वीर हनुमान सिंह को ही छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से किसे? वीर हनुमान सिंह को ही जाना जाता है, ठीक है। 18 जनवरी 1858 को इन्होंने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी। ये जो वीर नारायण सिंह जो थे ना, ये तीसरी बटालियन में ठीक है मैगजीन लश्कर के पद पर जो एक कार्यरत थे, ठीक है, तीसरी बटालियन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने ही 18 जनवरी 1858 को मंगल पांडे से प्रेरित होकर इन्होंने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी। बाद में 19 जनवरी 1858 को सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 17 और लोग को प्लस जो वीर हनुमान सिंह है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि सब तो पकड़ा जाते हैं, लेकिन वीर हनुमान सिंह जो हैं वो फरार हो जाते हैं, पकड़ाते नहीं, बच के निकल जाते हैं। फिर बाद में 3 दिन बाद 22 जनवरी 1858 को ही बाकी जो ये 17 लोग थे इन सबको सरेआम फांसी लगा दी जाती है, ठीक है। ये तीनों डेट भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए 118 नंबर का प्रश्न है कि 1870 से लेकर 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित किए गए, बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, कई बार से आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल सभा या फिर कवि समाज, कौन से ऐसे हैं जो 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में, बिलासपुर जिलों में भी कई सारे संगठन का स्थापना किया गया है, ठीक है, जो जिसके लिए मैं प्रश्न बाद में बनाऊंगा। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं या फिर सभी ऐसे हैं जो रायपुर में स्थापित किए गए, तो पकड़ना है कि कौन सा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
एक दो तीन चार, ये सभी के सभी ऐसे संगठन हैं जो कि 1870 से लेकर 1900 के बीच में रायपुर में राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, जो जन समुदाय है, जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने के लिए कई सारे संगठनों का स्थापना किया गया था, उनमें से ये चारों रायपुर के अंदर ही हैं, ठीक है। ये जो वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति है, ठीक है, साइंटिफिक एंड लिटरेरी कमिटी, इनका स्थापना भी रायपुर के अंदर ही 1870 में किया गया था। मालिनी रीडिंग क्लब का भी स्थापना रायपुर के अंदर ही किया गया था 1899 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ बाल सभा का स्थापना भी रायपुर के अंदर ही 1870 में किया गया था। और कवि समाज, ये एक्चुअली में राजिम के अंदर है, ठीक है, तो राजिम रायपुर के अंतर्गत ही पहले रखा जाता था, तो आप इसको राजिम वाले को भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, केवल अगर यहाँ पे तीन बोला है ना, ये वाला जो है कहाँ, राजिम के अंदर है, ठीक है, राजिम के अंदर। तो अगर ऑप्शन में अगर ऐसा हो जाए कि राजिम वाले को सेपरेट भी करना होगा तो आपको एक दो तीन मार सकते थे, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हुआ। लेकिन आप चारों भी लेके चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको बस याद होना चाहिए कवि समाज की स्थापना राजिम के अंदर किया गया था 1899 में, ठीक है। तो केवल अगर रायपुर लेके चलेंगे, ठीक है, तो केवल रायपुर अगर लेके चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए या फिर ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो कवि समाज कहाँ, राजिम के अंदर था 1899 में, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने विवेक के ऊपर आपके छोड़ता हूँ, जो आपको लेना है ले लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये तीन जो एक दो तीन है वो रायपुर के अंदर है और ये वाला जो है राजिम के अंदर कवि समाज की स्थापना किया गया था। चलिए 119वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग में वकालत का त्याग करने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, रविशंकर शुक्ल, रत्नाकर झा, यादव राव देशमुख या फिर नारायण तिवारी, कौन ऐसे हैं जो असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग से वकालत का त्याग किया था। देखिए, जब असहयोग आंदोलन 1920 में चला तो कई सारे ऐसे नेता होंगे जो पूरा देशव्यापी भी ऐसे नेता थे जिन्होंने वकालत का त्याग किया था। तो उसी तरह उसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई स्थानों से ऐसे वकील थे जिन्होंने अपना वकालत का त्याग किया गया था। तो आपसे दुर्ग से पूछा गया है, ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, ये दोनों व्यक्तित्व जो है दुर्ग से संबंध रखते हैं। घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, ये दोनों जो है दुर्ग में वकालत का त्याग करने वाले थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और बाकी जो बच गया, रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, यादव राव देशमुख और नारायण तिवारी, ये चारों जो हैं वो रायपुर से, ठीक है, रायपुर से वकालत का त्याग करने वाले व्यक्ति थे असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम 120वां प्रश्न देखते हैं। ये वाले वीडियो को, क्योंकि लेंथी हमको नहीं करना है, वीडियो ऑलरेडी जो है 20 मिनट का होने वाला है। ज़्यादा लेंदी वीडियो भी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोर भी ना हो और आपका रिवीजन भी हो, तैयारी भी हो जाए और आप बोर भी ना हो, आप अपना अलग से पढ़ाई भी करें, इसलिए वीडियो को मैं छोटा ही रखने की कोशिश करूँगा। तो ये 120वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि रायपुर में आयोजित मालगुजारों का सम्मेलन जो कि 1915 में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, इस चीज़ को समझिएगा, बात आती है कब, 20 जून 1915 की, ठीक है। 20 जून 1915 को क्या होता है, मालगुजारों का सम्मेलन होता है। किस लिए, इसका रीज़न ये था कि विधानसभा में एक बिल, राजस्व बिल प्रस्तुत होने वाला था जिससे मालगुजारों की हितों की संरक्षण किया जाए, उसके लिए मालगुजारों का सम्मेलन आयोजित किया गया 20 जून 1915 ईस्वी को। कहाँ किया गया था, तो रायपुर के अंदर, रायपुर का जो टाउन हॉल है, ठीक है, रायपुर का जो टाउन हॉल है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अब पूछा गया कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो यादव राव देशमुख के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें लगभग 300 मालगुजारों की एक बैठक हुई थी, ठीक है, उसी में ये जो यादव राव देशमुख जो थे एक प्रतिष्ठित वकील थे, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इस प्रकार हमने अभी तक के टोटल 8 वीडियोज जो है इस सीरीज में लाया है, इस 8 वीडियो को मिलाकर हमने 120 प्रश्न जो है कर लिया, और कोशिश किया है कि जितने भी टॉपिक से मैं यहाँ पे प्रश्न उठाया हूँ उसको मैं रिवीजन करा सकूँ, उसका एनालिसिस आप सभी के लिए करा सकूँ।
उम्मीद है ये सारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हम वीडियो का PDF दे देंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ किसी प्रकार का डाउट हो तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है आप सभी को बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।